उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालात अब भी नाजुक हैं और उन्हें जीवन रक्षक दवाइयों पर रखा गया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के पास गए और उन्हें चुप कराया, फिर वो लिफ्ट की ओर बढ़ गए। आपको बता दें मुलायम सिंह यादव को सीसीयू से निकालकर आईसीयू में रखा गया है, लेकिन अस्पताल का कहना है कि उनकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं है। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया कि मुलायम सिंह को जीवन रक्षक दवाइयों पर रखा गया है और विशेषज्ञों की एक टीम आईसीयू में उनकी देखरेख कर रही है। वहीं बता दें मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए नेताओं का आना जाना लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। दोनों ने नेताजी को देखा और उनका हालचाल लिया। आईसीयू के बाहर खड़े होकर दूर से ही मुलायम सिंह यादव को देखा और अखिलेश यादव से काफी देर तक बातचीत करी। जब वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, जरा सबसे पहले आपको ये सुन लेना चाहिए। सुधार हो रहा नेताजी जी, और हम लोग आए यार पूरा ईश्वर से प्रार्थना के लिए जल्दी निरोग हो जाए। चलिए ठीक है सर, कब तक उम्मीद करें कि अच्छी खबर आ जाएगी? आपको डॉक्टर ने कहा ऊपर थोड़ा साइड हो गया। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ गाड़ी यही बैठ जाइए, थोड़ा साइड हो जाएगा, नहीं। लेकिन अखिलेश यादव की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग अब उनकी ये सराहना कर रहे हैं कि भले ही उनके पिताजी की तबीयत खराब हो, वो इतने दुख में भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।